मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सागर में शामिल हुए, जहां उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की, साथ ही बहनों के लिए भी कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जहां जहां भगवान राम और कृष्ण ने अपने चरण रखे, उन स्थानों को तीर्थ बनाया जाएगा। ये काम हमारी सरकार करेगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले कहते थे कि लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसे नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने तब भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि झूठ बोलना भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई और न अगले चुनाव तक बंद होगी। बहनों के लिए सभी योजनाएं जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति जियो और जीने दो की है, ये सभी को प्यार करना सिखाती है, इसलिए दूसरे देश भी हमारी ओर देखते हैं। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी, हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी, ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। किसी बहन के जीवन में कोई योजना सरकार की जो भी जारी, सब जारी रहेगी, एक भी योजना बंद नहीं होगी। क्यों? जहां नियत वहां बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत। ये भाजपा के लोग हैं जो अपने भाव को भी सबके बीच में तभी लाते हैं जब आधार होता है, बिना आधार के कोई बात नहीं करते। हमारे माननीय मोदी जी के तो कितने सारे काम, जिन कामों के बलबूते में बात करें तो समय कम पड़ जाएगा।